नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी किचन। आज मैं पड्डू कैसे बनाते हैं दिखा रही हूँ। इसको अप्पे भी बोलते हैं। इसको मैं डिल लीव्स के साथ कैसे बनाना है वो दिखा रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप स्नैक टाइम में भी बना सकते हो या तो सुबह का नाश्ते के लिए भी बना सकते हो। ये डिल लीव्स आके डायबिटिक में और किसी का डाइजेस्टिव में कुछ प्रॉब्लम है तो ये लीव्स बहुत ही उनको फ़ायदेमंद है। तो इसको कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अभी देखते हैं इसको कैसे बनाना है। एक स्पून तेल, तेल अभी गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा राई डाल देते हैं। अभी इसमें उड़द दाल, थोड़ा चने का दाल, इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा चने का दाल फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो ये हो जाएगा। ये देखिए चने का दाल का कलर थोड़ा चेंज हुआ है। अभी मैं इसमें हरी मिर्ची, अब मैं डालूंगी एक प्याज, प्याज डाल के थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो चना दाल का कलर कितना चेंज हुआ है। हमें चना दाल थोड़ा सा ऐसा फ्राई करना है तभी अप्पे में जब खाओगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अभी मैं इसमें एक कप ग्रेटेड कैरेट डाल रही हूँ। ये तो मैंने ग्रेट किया हुआ है तो इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई करने में। अभी मैंने यहाँ पर तिल लीव्स लिया है। आपके पास तिल लीव्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे मतलब ऐसे ही फ्राई करके भी, ये बहुत तरीके का बनता है, प्याज में भी बनता है, आप वेजिटेबल डाल के भी बना सकते हो। बट ये बहुत इसमें एक खुशबू होता है दिल लीव्स में, उसका खुशबू अप्पे में बहुत अच्छा लगता है जब खाने के टाइम में। इसको डाल के फ्राई कर लेंगे अच्छा सा। ये देखिए हमारा ये कितना कलरफुल रह गया। ये दिल लीव्स का कच्चापन दूर होने तक आपको फ्राई करना है। अभी मैं इसमें धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल रही हूँ। देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बैटर में मिक्स करेंगे। अभी मैंने देखिए ये बैटर मेरे पास बचा हुआ था, डोसा बैटर, आप उसी को ले सकते हो। बचा हुआ बैटर से बहुत टेस्टी बनता है आप पे। अभी देखिए ये जो मिक्सचर हमने जो फ्राई करके रखा था अभी मैं इसमें डालूंगी। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको देखिए अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है बैटर। थोड़ा चाहिए तो नमक मिला लीजिए, आप देख लीजिए। देखिए मैंने अप्पे पैन गैस में रख दिया है, थोड़ा गर्म होने के बाद अब तेल डाल दीजिए उसमें। हम लोग इसमें बैटर डाल देंगे। इसको कम आंच में ही बनाना है, फ्लेम लो रखिएगा तब अच्छा सा अंदर से पक जाएगा। फ्लेम हाई रखने से बाहर पक जाएगा अंदर नहीं पकेगा। थोड़ा चाहिए तो आप तेल डाल सकते हो। अभी इसको लो फ्लेम में हम लोग अच्छा सा पका लेंगे। देखिए कितना आसानी से ये कितना अच्छा कलर आया है। देखिए ये देखिए ऐसे एक साइड से लेके ऐसे अंदर कर लीजिए। ये देखिए दोनों साइड से इसको अच्छा सा ब्राउन होने तक इसको रखेंगे, उसके बाद निकालेंगे। अभी देखिए हमारा अप्पे दोनों साइड से बनकर तैयार है। चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं।